हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तब सुबह की बज गई है, 7:20 हो गई है। मैं हाली हूँ और बस अब तुलसी जी में पानी देने जा रही हूँ, और गर्म पानी मेरे हस्बैंड ने कर दिया है आज। तो दोस्तों, चाय वाय मेरी बन चुकी है, सफाई भी हो गई है। अब मैं बनाऊंगी खाना। तो आज बनाऊंगी मैं भिंडी की सब्जी, बेसन वाली भिंडी की सब्जी। तो भिंडी पहले तो काटेंगे धोकर। लंबी लंबी भिंडी काट लें, तो फिर इसको भरने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें बेसन डाल दें, जब ये गल जाए तो इसमें बेसन डाल दें और साथ में बेसन को भून लें, तो ये सब्जी बहुत अच्छी बनती है। तो बस अब किचन में जाके 1-1.5 घंटे काम करना है। तो चाय के बर्तन साफ कर लूं पहले, जो थोड़ी थोड़ी बर्तन होते हैं वो साफ करती रहती हूँ। इससे मेरी सिंक भरती नहीं है, तो जो चाय के बर्तन होंगे तो चाय के बर्तन साफ कर लिए, या कोई भी जैसे खाना बनाया, सब्जी काटी, या जो कोई बर्तन एक्स्ट्रा होते जाते हैं उनको साथ का साथ धो देती हूँ। इससे सिंक नहीं भरती है और मुझे आसानी रहती है काम करने में। अभी देती हूँ बर्तनों को, कुछ बर्तन उनकी जगह पे रख देती हूँ और कुछ इस छबड़ी में रख देती हूँ, तो ये जब झड़ जाता है पानी सारा तो उसके बाद इनको भी जमा देती हूँ। दूध गाढ़ा हो गया है तो इसको भी जमा देती हूँ। आइसक्रीम रात को अच्छी लगती है खानी, जब पूरा खाना वाना खा लेते हैं तो उसके बाद सबको हमको इच्छा होती है कि कोई ठंडी चीज़ खाएँ, तो फिर ये दूध बचता है उसको गाढ़ा करके और मैं जमा देती हूँ ड्राई फ्रूट्स डालकर। तो बस ये जमा रही हूँ। तेल गरम हो गया है, सब्जी छौंक देती हूँ जीरा राई हींग डालकर। ताज़ा दूध भी आ चुका है तो वो भी चढ़ा देती हूँ साथ में, वो भी गरम होता रहता है और दूसरा काम भी करती रहती हूँ। तो बस ये सब्जी छौंक रही हूँ, उसमें बस बेसिक मसाले डालूँगी और ये जब गल जाएगी सब्जी तो इसमें मैं बेसन डाल दूँगी। थोड़ा तेल ज़्यादा डाल लेती हूँ जिससे बेसन भी भुंज जाता है इसमें साथ का साथ, तो जैसे ही सब्जी गलेगी वैसे मैं फिर इसमें बेसन डाल दूंगी और थोड़ा सा चना मसाला भी डाल देती हूँ जिससे इसका स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। तो फिर बस ये चना मसाला डाला है और ये होएगी जितने मैं आटा गूंद लूँगी। साथ ही साथ किचन को भी सेट कर लेती हूँ। जब तक सेट नहीं कर पाती हूँ तो मेरे से रोटी नहीं बनती है। तो एक बार जो भी बिखरी चीज़ें होती हैं सब्जी वब्जी बनाने के बाद उसको मैं समेट देती हूँ, सारी जो भी चीज़ें छिड़ी हुई होती हैं। तो ये अखबार है वो मैं काट के रखती हूँ न्यूज़पेपर, तो मैं इस डब्बे में बिछा लेती हूँ रोटी के डब्बे में डेली के लिए। तो बस ये बिछा रही हूँ मैं, काट के रखती हूँ उनको, गिलास में रख देती हूँ गोल करके, और ये उठाने में आसानी रहती है मुझे। तो ये सब्जी बन चुकी है और अब मैं इसमें बेसन डाल दूंगी, तो एक छोटी कटोरी के लगभग इसमें बेसन डाल दूंगी। मैंने सभी डब्बों में छोटी कटोरियां डाल रखी हैं तो उस कोई भी चीज़ निकालने में आराम रहता है। तो ये छोटी छोटी बाउल हैं, इससे मैं बेसन डाल रही हूँ। ऐसे ही मैंने आटे में रख रखी है, चावल में रखी हुई है और चीनी में भी रख रखी है मैंने छोटी छोटी बाउल, तो मुझे बहुत आसानी रहती है इससे। और बाकी जो मसाले के डब्बे हैं उनमें मैंने रख रखा है चम्मच। तो ये डाल रही हूँ मैं अमचूर,
वही सब्जी इस तरह से बहुत ही स्वादिष्ट हो जाएगी। सभी अच्छे मसाले डाल दिए हैं, चना मसाला डाल दिया, बाकी की मसाले अच्छे डाल दिए, अब अमचूर डाल दिया और ये सब्जी मेरी बन गई। दूध गरम हो चुका है, ठाकुर जी को चढ़ाने जा रही हूँ मैं। दूध गरम होते ही मैं ठाकुर जी को चढ़ा देती हूँ पहले, उसके बाद उसका यूज करती हूँ। तो बस अब रोटी बनानी है और उसके बाद बनाऊंगी मैं चटनी, बनाऊंगी टमाटर, कैरी और हरी मिर्च की चटनी। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है चटनी। आज आम भी ख़त्म हो गए हैं तो मैं हस्बैंड से आम मंगवाऊंगी और उसके बाद उसका आम रस करूंगी भिंडी के साथ। आम रस बहुत अच्छा लगता है। एक बनाऊंगी चटनी और फिर आम रस। तो बस रोटी मेरी बनने वाली है। सफाई कर देती हूँ मैं किचन की। मुझे नहीं पसंद कि कोई चीज़ पड़ी रहे। मैं एक बार खाना बनाती, एक बार साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद दोबारा साफ़ करती हूँ। मैं बना रही हूँ थोड़ी सी कैरी टमाटर और हरी मिर्ची की चटनी। बहुत अच्छी लगती है, आप भी बना के देखना। इसको छील के और इसका अंदर का गूदा डाल में। आम लेने गए हैं हस्बैंड, आम का अमरस बनाऊंगी, चटनी हो गई। बाहर से पुदीने के पत्ते भी ले आती हूँ और ये छिलकों का जो पानी है वो भी पौधों में डाल के आती हूँ। तो छिलकों का पानी डाल देती हूँ मैं सारा उसी टाइम में। थोड़े से पुदीने के पत्ते भी ले आती हूँ, मैंने काफ़ी जगह पुदीना लगा दिया है, वो सब उस गमलों में फैल रहा है। तो थोड़ा नीचे भी जब कोई सब्जी या चटनी बनानी होती है तो मैं यहीं से निकाल लेती हूँ। ऊपर छत पे भी खूब सारा पुदीना मैंने लगा रखा है। तो इस बीच में मेरी ट्यूबलाइट ख़राब हो गई थी रसोई की, तो बस मेरे हस्बैंड ट्यूबलाइट भी लेकर आएंगे अभी और आम भी लेकर आएंगे। तो बस इन्होंने लगाई ट्यूबलाइट और मैंने इतनी देर में इनको आम छील कर दे दिया था, तो इन्होंने बना दिया फिर आम का रस। ये मैं लेके आई और अब इसमें डाल के बनाऊंगी। चटनी में सारे बेसिक मसाले डाल दिए मैंने, नमक, मिर्ची, जीरा, हींग, धनिया पाउडर और फिर अमचूर पाउडर भी डाल दिया। ये चटनी बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी, जब हमने खाई तो बहुत अच्छी लगी। ब्लॉग आएगा इतने में हम खा चुके होंगे। तो ये चटनी बहुत ही अच्छी बनती है, कैरी डाल दें तो आप ये चटनी ज़रूर बनाएं। तो ये बन गई चटनी और आम का अमरस मेरे हस्बैंड ने बना दिया। तो वो सब खाना है नहीं हम लोग। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।